अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शबीनास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मिंस विद स्पैगेटी, यानी कि कीमे वाले स्पैगेटी, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कीमे की स्पैगेटी बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो ली है हमने 1 मीडियम चॉप अनियन, 1 पाउंड कीमा लिया है हमने, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ली है, 1 टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून हमने स्वीट चिली सॉस लिया है, 2 टेबलस्पून हमने केचप लिया है, 1/2 कप भर के हमने लिया है टोमेटो प्योरी, 3 टेबलस्पून हमने लिया है ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून हमने लिया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हमने लिया है सिरका विनेगर, 1 पूरी 1.5 शिमला मिर्च ली है हमने, 1 LB के करीब हमने स्पैगेटी लिए हैं, ये हैं 454 ग्राम। स्पैगेटी बॉईल करने के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और सॉल्ट लिया है हमने उसमें 2 टेबलस्पून भर के हमने सॉल्ट लिया है। पैन में सबसे पहले हमने जो है अपना ऑलिव ऑयल डाला, और इसमें हमने अपनी अनियंस ऐड कर दी फ्राई होने के लिए। अनियंस को हमने पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है, अनियंस को सिर्फ हमने हल्का सा सॉटे करना है। जब तक हमारी प्याज सॉटे हो रही है तब तक हमने अपने दूसरे स्टोव पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद हम अपना ऑयल और नमक ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है सौते हो गई है, हमें बस इतनी ही सौते करनी है, हमें पूरी तरह से ब्राउन नहीं करनी। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, हम इन सेट कर रहे हैं अपना। अच्छा, कीमे को जब तक कीमा अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए, मतलब जो उसका मीठी कलर होता है वो ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक आप स्पाइसेस मत ऐड करिएगा। उससे ये होता है कि वो खूब अच्छी तरह लहसुन अदरक में भुन जब तक ना जाए तब तक उसकी स्मेल नहीं जाती सही से। तो आप कोशिश यही करिएगा कि जब तक पूरी तरह ब्राउन ना हो जाए, अच्छी तरह भुन ना जाए, तब तक स्पाइसेस ऐड ना करें। तो अब हम, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कीमा ब्राउन हो गया है, तो अब हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ हमने ये सोया सॉस और ये सिरका भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें अपना स्वीट चिली सॉस और अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड कर देते हैं। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, या मिर्चें भी आप जैसे जितने आपको स्पाइसी पसंद हो वो सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह हमारा पानी जो है बॉईल हो गया है तो हम इसमें ऑयल और नमक अपना ऐड कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, कीमा गलाने के लिए हम थोड़ा सा ना इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, 3 टेबल स्पून के हिसाब से पानी ऐड किया है इसमें, जब तक कीमा गल ना जाए। ये दूसरी तरफ हमारा जो है पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया है, अब हम इसमें अपना स्पैगेटी ऐड कर रहे हैं। ये हमारा कीमा जो है अच्छी तरह पक गया है, देखिए। शिमला मिर्च, मुझे सब्जियों में सिर्फ शिमला मिर्च अच्छी लगती है स्पैगेटीज़ में। अगर आपको कोई और भी डिफरेंट कोई भी किसी भी किस्म की सब्ज़ी आपको अच्छी लगती हो तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ शिमला मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्पैगेटीज़ में सिर्फ शिमला मिर्च अच्छी लगती है। अब हम इसमें अपना केचप ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो है वो कीमा बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने स्पैगेटीज भी हमारे होने वाले हैं, हम स्पैगेटीज को हम अपने ड्रेन करने जा रहे हैं। ये मैंने स्पैगेटीज को अच्छी तरह जो है वो ड्रेन करके और ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से इसको मैंने रिंस कर दिया है। अब हम मिक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है, अब मैं इसकी प्लेटिंग की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मीठी सा स्पैगेटी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को,
कमेंट्स दीजिए मुझे और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए आगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।